अच्छा आप शादी कर रहे हो? गुड मॉर्निंग गाइस। तो यार कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो, खैर ऑफिस होंगे। तो यार हमारी दुआएं जो भी हमारे देखने वाले हैं, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते। तो भाई साहब दूसरा दिन है, हम इधर ही ऑफिस में स्टे कर रहे हैं, काम काफी ज्यादा है जिसकी वजह से हमें फिर घर जाना मुमकिन ही नहीं है। तो इधर काम शाम करते हैं, उसके बाद फिर संडे वाले दिन हमें जाना भी है मुल्तान, तो वो भी इंपॉर्टेंट काम है, उसकी भी हम थोड़ी बहुत ही तैयारी वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी एक छोटी मोटी मीटिंग और इसके अलावा एक हमारा टेस्ट भी है, तो वही सारा काम इधर ही कर रहे हैं। घर जाता हूँ तो काम हमसे होता ही नहीं है, तो इस वजह से मुझे मजबूरन मुझे इधर ही रहना पड़ रहा है। तो कल सुबह आया था, रात का स्टे किया, आज परसों यानी कि अब घर नहीं जाना, मंडे वाले दिन ही घर जाना है। मुल्तान से हमने एक न्यू मोबाइल फ़ोन भी लेना है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन से व्लॉग ठीक तरह से हो नहीं पाता, कैमरा भी ठीक तरह से सही काम नहीं करता, और इसके अलावा मेमोरी भी बहुत कम होती है, तो हमें फिर मोबाइल न्यू लेना पड़ेगा। तो फिर चल देंगे मुल्तान जाके, उधर से ही हमने मोबाइल फ़ोन लेना है। तो आज का व्लॉग यहीं से करते हैं शुरू। लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। तो आज का इंटरेस्टिंग व्लॉग शुरू करते हैं हमारी आपसे प्यारी सी, छोटी सी और नन्ही सी और सीधी सी, मीठी सी, नन्ही सी, प्यारी सी, सब कुछ रिक्वेस्ट है यार, काइंडली वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हैं तो कहने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर किया करें। तो हमारे व्लॉग को इन तक जो है इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। तो काम शाम करते हैं यार, काम इम्पोर्टेंट है, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। वैसे आज मौसम बड़ा ही कमाल का बना हुआ है यार, ऐसा लगता है कि अभी बारिश आ जाएगी, अभी बारिश आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा नाश्ता आ चुका है, निहारी और साथ में नान है, तो फटाफट नाश्ता करते हैं। यार इस लवली मौसम में दिल ही नहीं करा काम करने का, दिल करता बंदा बाहर घूमे फिरे, है ना? हाँ जी भाई साहब, तो काम शाम तो हमारा होता रहेगा, तो अभी नमाज जुम्मा का टाइम हो चुका है, तो जाके नमाज जुम्मा अदा करते। यार भाई साहब रात इतनी शदीद आंधी आई है कि लोगों के जो बैनर वगैरह लगे हुए थे और देहात में तो दरख्त वगैरह टूट गए थे, रात इतनी शदीद आंधी आई है। भाई साहब चलते हैं जाके नमाज जुम्मा अदा करते हैं। यार आज मेरा मूड बनता है घर जाने का या नहीं बनता, ये देखते हैं नमाज जुम्मा के बाद, क्योंकि 3 से 4 दिन मैं इधर ही स्टे कर रहा हूँ, तो आज देखते हैं कि क्या सीन बनता है। वैसे मैंने संडे वाले दिन जाना है, सुबह सुबह पहुँचते हैं मुल्तान, तो शायद ना जाऊँ घर, शायद चला भी जाऊँ, मेरे मूड का कोई पता नहीं चला। चलते हैं जाके नमाज जुम्मा अदा कर लेते हैं। हमारे इस दोस्तों ने खाना कोका कोला की ड्रिंक के साथ खाया है, आज तो कमाल हो गया भाई साहब, कमाल हो गया यार। नमाज से फ्री हो के हमने काम शाम किया है, तो अभी अचानक मेरी तैयारी बनी है और निकलने लगे हूँ घर की तरफ। पहले मेरा मूड नहीं था कि मैं नहीं जाता, डायरेक्ट मुल्तान जाऊँगा, फिर मंडे को ही घर जाऊँगा, तो फिर अचानक मुझे एक मजबूरी आज पड़ी है जिसकी वजह से मुझे फिर घर जाना पड़ गया। तो पैकिंग वगैरह हमने कर लिया, अभी फिलहाल हम रोड पे आ चुके हैं, तो चलते हैं घर की तरफ, अपना सफ़र शुरू करते हैं। अभी असर का टाइम नहीं हुआ, असर से पहले पहले हम घर की तरफ जा रहे हैं, कुछ ऐसा काम है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम है, चलें सफ़र शुरू करते हैं। हमारे व्लॉग के साथ और हमारे सफ़र के साथ ज़रूर जुड़े रहेगा, चलें। यार कब आएगा इस दरिया में पानी, पता नहीं कब आएगा। अब तो पानी की सतह ऐसा ऐसा नीचे होने लगी, जो कि हमें काफ़ी मसला पैदा हो रहा है। हमारे इलाके करीब कोई नहरी निज़ाम नहीं है, अगर ये पानी आता है तो इस पानी की वजह से सेम थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, जिससे हमें आसानी होती है पानी वगैरह लगाने में, नहीं तो हमें मज़ीद पाइप को नीचे ले जाना पड़ता है। पहले तो पानी काफ़ी जल्दी आ जाता था, अब पता नहीं क्या मसला है, लगता है कि इंडिया के पास अगर ओवर मिकदार में पानी जमा होता है तब वो दरियाए सतलुज का पानी छोड़ते हैं, तो शायद यही वजह हो सकती है, नहीं तो पानी तो आ जाना चाहिए था। लोग होते हैं पढ़ाई करने वाले, देखो बाहर बैठ के किताबें लेके, इंग्लिश की बुक लेके पढ़ रहे हो, साथ में बच्चे को बिठाया हुआ है। अच्छा आप शादी कर रहे हो? शादी करने का मूड है। अच्छा शादी करने का मूड है,
आपका मूड है या आपके घर वालों का मूड है? नहीं, घर वाले तो कहते हैं अभी छोटा है, इसका मूड 4 साल से है, 4 साल से मूड चार बुरा साल है। से इसका मूड है। नहीं, वैसे अभी बच्चा है, अभी उम्र भी नहीं लग रही इसकी। वैसे हमारे इलाके में ना जल्दी शादी हो जाती है ना, ऐसी बात है। ओए हेलो, इसने कोल्ड ड्रिंक पिया, देखा ना, इसमें अभी भी कोल्ड ड्रिंक है। हैं कोल्ड ड्रिंक पी हुई आपने? वैसे नहीं, आपकी अजमत को सलाम है भाई साहब, आप पढ़ रहे हो। ये तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम घर पहुंच चुके, तो आज के इस व्लॉग को यहीं करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यार से कमेंट्स कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।